नमस्ते, मैं हूं भूमि त्रिवेदी और खबर 24 के सभी व्यूअर्स को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल मैं मुंबई में नवरात्रि में परफॉर्म कर रही हूं एंड स्पेशल थैंक्स टू चिराग भाई जिन्होंने मुझे मौका दिया इस साल 2019 की जो नवरात्रि है उसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है एंड यू नो बहुत एक उत्साह उमंग बहुत ही डिफरेंट है इस बार क्योंकि हम गोरेगांव वेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर शायद नवरात्रि जनरली ऑर्गेनाइज नहीं होती है। एंड ही इज़ द ओनर ऑफ GoCeleb एंड GoCeleb इज समथिंग लाइक रियली रियली बिग एंड बहुत सारी इवेंट्स करती हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने साइन किए हुए हैं। और इनके नवरात्रि सीजन के ऑलरेडी 5 शोज चल रहे हैं मुंबई मुंबई में है, सूरत में है, वडोदरा में, अहमदाबाद और राजकोट। तो वो अकेले यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं बैठे बैठे 5ों नवरात्रियों को। और आई एम रियली ग्लैड कि चिराग भाई यहाँ पर है इस साल इस नवरात्रि में। सो आई थिंक हर एक बच्चों को संभालने जाएंगे कुछ दिन यहाँ कुछ दिन दूसरे शहरों में भी, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक लोगों को भी धीरे धीरे जब पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर गोरेगांव में परफॉर्म कर रहे हैं तो जो ऑडियंस जो अमाउंट ऑफ क्राउड है वो दुगना तिगुना होते जा रहा है दिन ब दिन। सो आई एम लाइक रियली ग्लैड। और 2010 से जब मैंने नवरात्रि शुरू की मैं हमेशा मुंबई में ही परफॉर्म करती आ रही हूँ और लास्ट ईयर मैं सूरत में थी एंड इस साल मुझे वापस से चिराग भाई और उनकी पूरी टीम मुझे वापस लेकर आई है मुंबई में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ इज रिस्पांस टू इट थर्ड डे आज तो मतलब लोग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि कौन लोग मुझसे बात कर रहे हैं और कौन लोग मतलब एक छोटा मोटा अगर प्रणाम भी करते तो मैं गाते गाते उन लोगों को देखकर मैं प्रणाम भी करती हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है कि यू नो इतने आदर और सम्मान के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं हमारी नवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, डांस करने के लिए। तो ये जो एक इंटरेक्शन है उस चीज़ को हमने बहुत ही स्पेशल रखा है। और लोग जो हैं वो यू नो आज जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और एक ग्रुप जब एक कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था और वो लोग जिस तरह से ऊपर चढ़े प्राइज लेने के लिए और जिस तरह से वो नाचे हैं, जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया, आई थिंक मुझे भी लगा दैट वाज इवन इनफैक्ट एनकरेजिंग मी। वो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए एनकरेज कर रहा है कि कल मैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करूँ और यू नो सबको और भी ज़्यादा नचाएँ। सो आई थिंक आई एम इन लव विद द ऑडियंस और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग सिंस द बिगिनिंग मतलब 7:30 बजे आ रहे हैं वो 10 बजे से पहले नहीं जा रहे हैं। तो बस रिस्पांस तो माता रानी की आशीर्वाद है, तो जब शिद्दत से काम करते हैं तो रिस्पांस तो मिलना ही है।
और आज सेकंड डे था हमारा वैसे तो सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छा क्राउड आया था और क्राउड से मतलब ऐसा है कि जो क्राउड आता है ना वो जैसे भूमि ने बताया कि जो 7 बजे आता है वो 10 बजे ही निकलता है और खेलने के लिए ही आता है वो। सबसे पहले तो नवरात्र की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माता जी के आराधन के दिन चल रहे हैं और गरबा खेलने के दिन चल रहे हैं, तो हम लोग गोसेलेब की तरफ से यहाँ पे बॉम्बे में बांगुल नगर में डांडिया हो रहा है, तो मैं और भूमि त्रिवेदी 3 साल के बाद बॉम्बे में ये डांडिया कर रहे हैं। भूमि एक गुजरात की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और हम दोनों साथ में 3 साल पहले डांडिया किया था और 3 साल के बाद बॉम्बे में डांडिया करना एक अपने आप में एक अलग मज़ा है, तो बस वो मज़ा हम ले रहे हैं और सबको मज़ा करा रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मुंबई में खासतौर? पहले दिन 2 दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और मेरे ख्याल से ये बॉम्बे की मेरे मुँह से नहीं बोलना चाहिए लेकिन बॉम्बे की सबसे बड़ी नवरात्रि मैं मानता हूँ और यहाँ पे जितने जो खेलने वाले आते हैं वो सब बहुत ही आनंद करके जाते हैं बस, और ये आनंद हम कराते रहेंगे। इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी गवर्नमेंट का जो नियम है उसके पालन तो हमको करना ही चाहिए, लेकिन पहले ऐसा होता था कि 10 बजे तो लोग तैयार होके आते थे और अब धीरे धीरे मतलब आदत होती जा रही है कि बस 10 बजे तक दिमाग में लेके चलते हैं और डांडिया खेलने आते हैं। जब आस्था से मैंने पहले भी बोला कि आस्था से कोई आस्था और शिद्दत से काम करे तो वो काम में शिद्दत मिलने वाला है, और मैंने कभी भी एक दो ईमान से तो जानता नहीं, एक दो इवेंट कभी किए नहीं मेरी लाइफ में, जो भी है मल्टीपल्स इवेंट्स एक साथ में ही रहते हैं तो एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस का आज आप देखो हमारा ग्राउंड कैसा है, हर जगह पे आप देखोगे कहीं पे भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। हमने आर्टिस्ट भी उस तरह से चुन चुन के हमने आर्टिस्ट भी लिए हैं कि भाई पब्लिक को जो फ्लेवर चाहिए उस हिसाब से हमने सारे सिटी में डिफरेंट आर्टिस्ट लिए हैं। और देखो जब आपका मैनेजमेंट एक स्ट्रांग रहता है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ रिलैक्स से 5 नवरात्रि मतलब मैं 50,000 क्राउड को हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तभी होगा। बाकी तो ऐसे तो मैं आज एक घर में एक प्रसंग होता है तो उसके लिए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन थैंक्स माता रानी की कि भाई माता रानी और ठाकुर जी की कृपा से मैं शिद्दत से काम कर रहा हूँ। उस्मान सर आपका हमले ले चुके शरम का जो सॉन्ग है वो एक लाइन भी लिखना है। हाँ जी, वो एक्चुअली बंसाल सर की फिल्म रामलीला का सॉन्ग जो लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं और गरबा में तो वो फेमस ही है, वैसे भी फेमस है गरबे में तो बहुत आनंद से खेलते हैं और सुनते हैं। गण गोर जरे चहो और मारु मारु मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, ए मारु मन मोर बनी थन गाट करे। धन्यवाद।